यूट्यूब चैनल फिनहॉइच पे रिलायंस पावर ये शेयर ने इन्वेस्टर्स को कुछ ही दिनों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है दोस्तों। ये शेयर का प्राइस अगर आप देखते हैं 9 रुपया या 10 रुपये के आसपास शायद था, या फिर 11 रुपये के अंदर पहुँच गया था। उसके बाद जो है शेयर ने एक ज़बरदस्त तेज़ी बनाया। इसका कल एक साल का हम लोग लो प्राइस देखते हैं रिलायंस पावर के शेयर का, वो लगभग 9 रुपये के आसपास था। उसके बाद ये शेयर का जो एक साल का हाई प्राइस बना है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो अभी रिलायंस पावर को लेकर अगर देखेंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे भी कुछ है जिन लोगों ने यहाँ पे खरीद के रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी कुछ है। तो अभी रिलायंस पावर के शेयर में जो तेज़ी बन रहा है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसका हाई प्राइस क्या था? देखिए, बहुत सारे अपडेट्स है रिलायंस पावर को लेकर, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए आप दोस्तों। स्टॉक की बात है, देखिए दोस्तों रिलायंस पावर ये जो अनिल अंबानी का शेयर है, इस कंपनी के शेयर में जो है अभी कुछ दिन से एक तेजी बन रहा है। एक दिन का रिलायंस पावर का जो हाई मतलब यहाँ पे रिटर्न दिया है वो है 0.7% का। एक हफ्ते का जो डाउन देखने को मिला है रिलायंस पावर के शेयर में, जो गिरावट बना है वो है 0.2%, और तेज़ी जो है एक महीने का जो रिटर्न है आप देखिए 25.7% का इसने एक महीने का रिटर्न दिया एक महीने के अंदर। तो यहाँ पे इसका हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जो है 30 है इसका आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 42.20 आउट ऑफ 100, मोमेंटम 66 आउट ऑफ 100। एक साल का दोस्तों इसका हाई प्राइस देखिए, या फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मतलब जो इसका एक साल का हाई प्राइस है वो है 23.75 पैसे का बनाया था हाई प्राइस, और लो प्राइस बनाया था 9.05 पैसे का। वही दोस्तों इसका एक महीने माफ़ कीजिए 6 महीने का हम लोग हाई प्राइस देखते हैं 23.75 पैसे का, और लो प्राइस 13 रुपीज़ का। 3 मंथ्स का हाई प्राइस 23.75 पैसे का, लो प्राइस 15.55 पैसे का। एक महीने का हाई प्राइस 23.75 पैसे का, और लो प्राइस जो दिया है एक महीने का वो है 16.85 पैसे का। और एक हफ्ते का देखिए जो इसका हाई प्राइस है 21.65 पैसे का, और लो प्राइस है 20.70 पैसे का। तो 20.70 पैसे का इसने एक हफ्ते का जो है लो प्राइस बनाया था। अभी इसका थोड़ा हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे Q2 का जो 2024 का रिजल्ट आया था रिलायंस पावर का, उसमें जो टोटल रेवेन्यू है 9.5% का जंप हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.99% का देखने को मिल रहा है जंप हुआ था, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28.9% हुआ था। वही दोस्तों इसका जो EBITDA है, जहाँ पे 32.7% का जो जंप देखने को मिला था, नेट प्रॉफिट 30.1% का हुआ था। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, टेक्निकली रिलायंस पावर का शेयर कैसा है। टेक्निकली जो है अभी ये शेयर आप देख सकते दोस्तों एक बुलिश लेवल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, MACD इंडिकेटर कह रहे हैं ये जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं डिटेल में BSE और NSE मिला के एक दिन का जो रिलायंस पावर का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो है 127.7 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 21.6% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 27.5 मिलियन का। एक हफ्ते का BSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 118.9 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 20.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 24.3 मिलियन का है। एक महीने का BSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 169.9 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 22.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 3.7 मिलियन का है। तो अभी यहाँ पे रिलायंस पावर के शेयर में जो तेज़ी बन रहा है दोस्तों, तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा जो है शेयर में फिलहाल अभी खरीदारी हो रहा है रिलायंस पावर का। हम लोग थोड़ा अभी और डिटेल में समझते हैं। तो इसका जो बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है इसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, ऐसे कि रिलायंस पावर का शेयर जो है बहुत ज़्यादा प्राइस में फिलहाल में नहीं चल रहा है। इसका अगर देखेंगे तो जो मतलब शेयर का आप देख सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एज एट 0.62 टाइम्स इस बुक वैल्यू, जो इसका बुक वैल्यू है उससे 0.62 टाइम्स में चल रहा है। अभी जो रिलायंस पावर कंपनी है, कंपनी का आप देख सकते हैं रिलायंस पावर का, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर। तो प्रोमोटर जो है रिलायंस पावर का, उन लोगों ने जो है जो इसका स्टेक है वो घटाया है, जो कि माइनस में देखने को मिल रहा है 0.50%। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.69% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 24.5%। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.76% माइनस में देखने को मिल रहा है ओवर लास्ट 3 ईयर्स। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 1,373 करोड़। तो अभी यहाँ पे दोस्तों रिलायंस पावर जो कि
अनिल अंबानी का कंपनी है। इस कंपनी के शेयर अगर देखेंगे दोस्तों कुछ दिन के अंदर जो है इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अभी इसका जो Q2 का रिजल्ट आया था 2024 का, इसमें देखिए जो रिलायंस पावर का सेल्स ग्रोथ है 1922 करोड़ से बढ़ के 2052 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1301 करोड़ से बढ़ के 1320 करोड़ हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 621 करोड़ से बढ़ के 732 करोड़ हुआ था। वही दोस्तों इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख सकते हैं जो माइनस में था 224 करोड़ का, और वो घट के अभी 138 करोड़ का माइनस में देखने को मिल रहा है। वही नेट प्रॉफिट जो है 296 करोड़ माइनस में था और वो घट के अभी 238 करोड़ हो रहा है। तो कंपनी बोल सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे अभी बिजनेस फिलहाल कर रहा है। हो सकता है कि दोस्तों आगे चल के रिलायंस पावर का जो मतलब शेयर है उसमें और तेज़ी बनता हुआ देखे। अभी यहाँ पे थोड़ा हम लोग और बोल सकते कि या फिर रिलायंस पावर कंपनी का जहाँ पे देखिए रिलायंस पावर का बोल सकते कि जो अभी डेप्टर्स डेज है उसमें आप देख सकते हैं जो कि घटता हुआ देखने को मिल रहा है 156 से 130 हुआ है। एंड वही दोस्तों यहाँ पे देखेंगे रिलायंस पावर का जो शेयर पैटर्न है मतलब इसमें बोल सकते कि जो स्टेक है प्रमोटर्स के पास 24.99% का स्टेक था और उसके बाद प्रमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक घटाया है 24.50% किया है प्रमोटर्स ने। वही दोस्तों FIS जो है FIS के पास 7.34% का स्टेक था, FIS ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है जो कि 7.66% का स्टेक कर दिया है FIS में। देखिए अभी FIS को जो है लगता है कि शेयर जो है रिटर्न बना सकता है दे सकता है आगे चल के, तो FIS ने जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ा दिया है। वही दोस्तों DIS में देखिए LIC भी है, DIS जो है 3.17% का स्टेक था, DIS ने यहाँ पे ज़बरदस्त स्टेक बढ़ा दिया है जो कि 5.16% के आसपास का स्टेक कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए LIC जो है LIC के पास 2.75% का स्टेक था, तो यहाँ पे अभी जो है LIC के पास 2.70% का स्टेक है रिलायंस पावर का। एंड जो रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड है उसके पास 1.99% का स्टेक है। वही दोस्तों बात करते हैं जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास रिलायंस पावर का देखते हैं यहाँ पे जो कि 0.1% का स्टेक रखा है। एंड यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है अभी देखिए रिलायंस पावर का जो बोल सकते कि जो स्टेक है जहाँ पे पब्लिक ने जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पब्लिक का भी है रिलायंस पावर के शेयर में, जहाँ पे एक देख सकते जहाँ पे सिटी बोल सकते कि सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज उनका भी एक अच्छा खासा यहाँ पे बोल सकते कि स्टेक है। पब्लिक ने जो यहाँ पे लगभग देखने को जो मिल रहा है पब्लिक के पास 62.67% का स्टेक है, तो सिटी फाइनेंशियल सर्विस का उतना भी स्टेक शायद देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास जो है 62.67% का स्टेक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा बोल सकते कि जो LIC है उसके पास भी स्टेक और पब्लिक के पास भी यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक पब्लिक ने लेके रखा है। तो रिलायंस पावर का दोस्तों हमें लगता है मतलब इसका जो अभी कंपनी का देखते रिलायंस पावर का जिसका जो बिजनेस है यहाँ पे थोड़ा समझते हैं हम लोग, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो है वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 3,438 मेगावाट कैपेसिटी लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, दिस प्रोजेक्ट्स आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है रिलायंस पावर का जो और एक प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि है SMPL, द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू डेवलप ए गैस बेस्ड प्रोजेक्ट ऑफ 3000 मेगावाट कैपेसिटी इन फेज्ड मैनर। तो यहाँ पे बांग्लादेश में भी इन लोग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे नॉन ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में बात करते हैं जहाँ पे बोल सकते कि यहाँ पे जो है कुछ नॉन ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं जो इसका इशू एंड कन्वर्स जो यहाँ पे कन्वर्शन वारंट था जो अभी कुछ दिन पहले का एक अपडेट देखने को मिला था रिलायंस पावर को लेके, जहाँ पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2022 द कंपनी इशूड एंड एलोटेड बाई वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशूज जो कि 21 करोड़ वारंट्स कन्वर्टेबल इंटू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ए पीस ऑफ एट ए प्राइस ऑफ 15.55 टू BFSI होल्डिंग्स। तो BFSI होल्डिंग के साथ ये बातचीत चल रहा था जहाँ पे इट इज़ ऑल्सो इशूड पोटेंशियल शेयर्स माफ कीजिए प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹33 करोड़ टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रोमोटर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी कुछ शेयर्स देने को दिया है। तो अभी दोस्तों हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी रिलायंस पावर जो है शेयर में आगे भी तेजी बन सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस पावर का शेयर जहाँ पे शेयर का प्राइस अभी 21 के आसपास चल रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए। आपको क्या लगता है रिलायंस पावर को लेकर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।